आज हम गोभी के पराठे में एक ऐसी हेल्दी सामग्री मिलाएंगे जिसे पराठा बहुत ही सेहतमंद और स्वादिष्ट बनेगा। साथ में पराठा आसानी से बेल सकेंगे और बिल्कुल भी नहीं फटेगा और पराठे एकदम फुले फुले बनेंगे। तो बनाना शुरू करते हैं सेहतमंद गोभी का पराठा। पराठे के लिए पहले डो बनाएंगे। बाउल में 2 कप गेहूं का आटा डालेंगे, 1 टेबलस्पून बेसन डालेंगे, 1 टेबलस्पून बारीक वाली सूजी, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डालेंगे, 1 टीस्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे पराठा बहुत ही अच्छा बनेगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे, इसके बदले में आप तेल भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो बनाएंगे। दो से तीन मिनट इसे अच्छे से मसल दिया है। आधी टीस्पून तेल डालेंगे और इसे चिकना कर लेंगे। डो बना के रेडी कर दिया है और रोटी के जैसा सॉफ्ट डो बनाना है। इतना डो बनाने में मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसे ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। एक मीडियम साइज की गोभी ली है और ये 400 ग्राम जितनी है। इसे मैंने गर्म पानी से अच्छे से धो के लिया है। डंठल निकाल देंगे, इस तरह से इसका फ्लोरेक्स अलग कर लेंगे। गोभी को आप कद्दूकस करके ले सकते हैं, मैं इसे चॉपर में चॉप कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का चॉपर नहीं है तो आप मिक्सर में भी इसे पल्स बटन दबा के रफली क्रश करके ले सकते हैं। इसे चॉप कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से एकदम बारीक चॉप हो गई है। इसे एक बाउल में निकाल देंगे और इसी तरह से सभी गोभी को चॉप कर लेंगे। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा, जीरा लाइट ब्राउन हो गया है, 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे, 3 हरी मिर्च और 1 फ्रेश लाल मिर्ची को बारीक चॉप करके लिया है, 1 टेबलस्पून हरा धनिया की डंडी को बारीक चॉप किया है और 1.5 टेबलस्पून बारीक चॉप अदरक लिया है। अदरक हमें यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लेना है। ये सब अंदर डाल देंगे। धीमी आंच पे लगातार चला के 30 सेकंड के लिए भुनेंगे। गोभी हमने कद्दूकस की है, ये डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे। गैस की फ्लेम अभी धीमी रखेंगे। 1/4 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, इसके बदले में चाट मसाला भी डाल सकते हैं, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छे से चला लेंगे। गोभी को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, थोड़ी सी क्रंची रहना चाहिए। 1 पिंच हल्दी पाउडर डालेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। गैस ऑफ कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल के रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक ठंडा करेंगे। इसमें हम जो हेल्दी सामग्री डालने वाले हैं वो है फूल मखाना। मखाने को अच्छे से भून लिया और ठंडा होने के बाद मिक्सर जार में डाल के एकदम फाइन पाउडर बनाया है। गोभी का मिश्रण एकदम ठंडा हो गया है। पहले हमने धनिया की डंडी बारीक काट के ली थी, अभी मैंने धनिया की पत्ती को बारीक चॉप करके लिया है और ये 1/2 कप जितनी है। धनिया को अच्छे से पानी में धो के कपड़े पे डाल के पानी सुखा लेना है और फिर बारीक काट के डालना है। 1/4 कप मखाने का पाउडर डालेंगे। अच्छे से चला के मिक्स करेंगे। अगर आपको मखाने का पाउडर नहीं डालना है तो आप इसमें ओट्स का पाउडर भी डाल सकते हैं। इस तरह से भी पराठे को हेल्दी बना सकते हैं। मखाने का पाउडर हम इसमें डालेंगे तो गोभी का जितना भी मॉइस्चर है वो सोख लेगा और पराठा एकदम आसानी से हम बेल सकेंगे। पराठे को चटपटा बनाने के लिए 1/2 टीस्पून चाट मसाला भी डालेंगे और अच्छे से चला के मिक्स कर देंगे। आटे को रखे 10 मिनट हो चुकी है, इसे अच्छे से मसल लेंगे। 2 मिनट एकदम अच्छे से मसल लेना है। थोड़ा सा तेल डाल के मसलेंगे।
इस तरह से थोड़ी बड़ी साइज की लोई बनाएंगे। आटे के ऊपर ढक्कन लगा के रखेंगे, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा। लोई को सूखे आटे में लपेटेंगे, पूरी के जितना इसे बेल लेंगे। ऊपर स्टफिंग रखेंगे, 3 चम्मच जितना स्टफिंग रखेंगे ऊपर, और इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे कचौड़ी की तरह। इस तरह से फोल्ड करना है, ऊपर का जो आटा है इसे इस तरह से चिपका देंगे। हल्के हाथ से इस तरह से दबा के थोड़ा फ्लैट करेंगे, सूखे आटे में लपेटेंगे और हल्का हाथ से पराठा बेलेंगे। इस तरह से थोड़ा मोटा पराठा बेलेंगे। तवा गरम करने के लिए रख दिया है और ये अच्छे से गरम हो गया है। इसमें पराठा डाल देंगे। पहले इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 30 से 40 सेकंड के लिए सेकेंगे। नीचे से लाइटली सिक जाएगा तभी हमें इसे पलट लेना है। इस तरह का थोड़ा सा कुक हो जाएगा तभी पलट लेना है। दूसरी साइड पे इसे मीडियम फ्लेम पे कुक किया है, पलट लेंगे। इस तरह का लाइट ब्राउन डॉट्स आए तब तक हमें कुक करना है, पलट लेंगे। अब देख सकते हैं पराठा कितने अच्छे से फूल गया है। इस तरह से फूल जाए इसके बाद हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे, पलट लेंगे। दूसरी साइड पे भी घी लगाएंगे और धीमी आंच पे इसे कुक करेंगे। आप इसे तेल लगा के भी कुक कर सकते हैं, पलट लेंगे। देख सकते हैं कितने अच्छे से पराठा पफ हो गया है, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। इसे निकाल लेंगे। इस तरह से बाकी का पराठा भी कुक करेंगे। गोभी का पराठा बनके रेडी हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी है और साथ में हेल्दी भी बहुत है। मैंने इसे दही के साथ सर्व किया है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।